ਉਰੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜੰਮੂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। मुजाहराकारियों ने पाकिस्तान के झंडे को फूकिया। गुस्साए लोगों ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से कश्मीर में दहशतगर्दी को हमायत देने का इल्जाम लगाया। नाल ही कुछ पार्टियां से सियासत करने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने इस तो बाज आने की नसीहत भी दी। लोगों की मांग है कि पाकिस्तानी प्रेमियों को भारतीय सरहद तो पार खदेड़ देना चाहिए। और वो पार्टियां चाहे वो किसी रूप के अंदर हों, अलगवादी नेता जो हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करते रहे हैं, वो कदापि बर्दाश्त नहीं होने वाले हैं। इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं, अलगवादी नेताओं को पकड़ करके पाकिस्तान के पार भेज दो। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शरेआम कश्मीर के समर्थन के अंदर, उग्रवादियों के समर्थन के अंदर, अलगवादियों के समर्थन के अंदर नारे लगाने का प्रयास कर रहा है, ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। हालिया दिनों में हुए सब तो वड्डे दहशतगर्दी हमले तो बाद लोगों का गुस्सा सत्तवें आसमान पर है। लोग इस दहशतगर्दी साजिश को रचण वालों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। रविंदर श्रीवास्तव, जी मीडिया, जम्मू। जम्मू कश्मीर के उरी विच फौज के कैंप च हुए दहशतगर्दी हमले के 17 वीर सपूत शहीद हो गए, जिस विच सांबा जिले के सारवा पिंड के रवि पाल ने भी अपनी जान की कुर्बानी दी है। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਰਵੀ ਪਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਨਕਰ ਖੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਉਰੀ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਘਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨੋ ਮਾਤਮ ਛਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਰਵੀ ਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। अब देखो आपके सामने सर कैसा हो गया। एक साल पहले इन्होंने अपने बच्चों को सेटल कर दिया वहाँ पठानकोट में कि मैं पठानकोट में आ रहा हूँ, मेरे बच्चे वहीं पढ़ेंगे। अब देखो आपके सामने क्या फिर कर रहे हैं। बहुत गर्व करते हैं सर, बहुत गर्व करते हैं हम। हमारे वहाँ कह रहा हूँ कि 4-5 भाई और हों, देश के ऊपर शहीद हो गए सर। नाली शहीद रवि पाल के परिवार वाले केंद्र सरकार तो अपील कर रहे हैं कि हुण पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੇਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਯੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਪ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟੋਂ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਚਾਹੇ ਵੋ ਵਪਾਰ ਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੋ ਬਾਤਚੀਤ ਕਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਕੀਆ ਜਾਏ। और अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का जो है सही मायनों में समय आ गया है। इतने लोग हमारे फौजी पैरामिलिट्री के फोर्स के लोग, मैं समझता हूँ कि 65-71 की जंग में शहीद नहीं हुए जितने ये जो प्रॉक्सी वार में हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। शहीद रवि पाल के छोटे भरा भी फौज विच ने अते भरा दी शहादत ते गमगीन ने। उरी विच होए इस दहशतगर्दी हमले नू हुण तक फौज के किसी भी कैंप ते होए सब तो वड्डे हमले के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक बार फिर गल पंजाब दी करदे आं। 88 साल दे पंजाब दे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दा कहना है कि अजे तां ओह जवान ने। उन्हां दा मनना है कि जवानी दी कोई उम्र नहीं हुंदी। नौजवान दी अज कोई एज लिमिट नहीं, जिहड़ा हिम्मत वाला नौजवान, मैं भी नौजवान। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਤਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜਵਾਨ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ
ठाकिया ते ताड़िया दी गड़गड़ाहट नाल गूंज उठिया। अज कल नौजवान समझ ज्यादा हिम्मत वाले ने, नौजवान दी अज कोई एज लिमिट नहीं, जिहड़ा हिम्मत वाला नौजवान, मैं भी नौजवान। पंजाब विधानसभा चोणां दे सियासी माहौल दे विचाले टिकट वंड विच नौजवानां नूं तरजीह दे जाण दा मुद्दा बेशक गंभीर अते जरूरी है, पर मुख्यमंत्री ने अपने जवाब तो यह साफ कर दिता है कि केवल उम्र तो ही जवान होना टिकट दी दावेदारी पक्की नहीं करदा, बल्कि उम्मीदवार विच जिद दी काबिलियत अते पार्टी दे लई लगन होना भी जरूरी है। जिहड़ा किते सूटेबल होया उहनूं जरूर, देखो पार्टी दा इंटरेस्ट हुंदा है। मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल संगरूर विच अपने तीन दिनी संगत दर्शन दे आखरी पड़ाव ते अमरगढ़ विधानसभा खेतर विच पहुंचे, जिथे उन्होंने लोकां दी समस्यावां सुनियां अते ग्रांटां दा भी ऐलान किया। पर 88 साल दे मुख्यमंत्री दा एंग्री यंग मैन वाला अंदाज लोकां दे दिल विच उतर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, संगरूर। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब दे किसानां दी हालत सुधारन लई पंजाब सरकार दी पिट्ठ थापड़ी है, पर किसानी दे मुद्दे नूं लै के हरसिमरत बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ते हमला कीता। उन्हां कहा कि कैप्टन दे राज विच किसानां दी हालत खराब होई सी। पंजाब विच किसानां दी बदहाली दा मुद्दा चुकण वाले विरोधियां नूं हरसिमरत कौर बादल ने खरियां खरियां सुणाईयां। केंद्रीय मंत्री दी मन्निए तां किसानां दी हालत देश भर विच खराब है, जिस दी वजह वधदी महंगाई अते कुदरती मार है, जबकि पंजाब सरकार ने सूबे दे किसानां दी खातर उह सब कीता है जो देश भर विच कोई होर सरकार नहीं कर सकी है। एक तरफ कुदरत की मार, दूसरी तरफ महंगाई की मार, तो किसान सारे देश में इन चीजों से जूझ रहा है। लेकिन आज मैं मन से कह सकती हूँ कि जितना पंजाब के किसानों के लिए बादल सरकार ने किया है, ना हमारी गवांड की सरकार, ना देश की कोई और राज्य की सरकार, पूरे किसानों के जो ट्यूबवेल के बिल माफ होते हैं, इकलौते पंजाब में होते हैं। हरसिमरत कौर बादल ने सीधे तौर पर सबका सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं चुनौती दी है। केंद्रीय मंत्री ने पूछा कि कैप्टन ने मुख्यमंत्री रहिंदे किसानां दे लई की कीता। मैं ओपन चैलेंज करती हूं अपने विरोधियों को, आज भी जो मुख्यमंत्री के दावेदार बनते फिर रहे हैं पंजाब में, कि आप दिखा दीजिए जब आपकी सरकार थी आपने इनमें से किन चीजों की बराबरी करी, या आज भी जिस राज्यों में आपकी सरकार है उन राज्यों में आप किसानों के लिए कर क्या रहे हैं, और हकीकत सामने आ जाएगी। इस दे नाल ही केंद्रीय मंत्री ने आम आदमी पार्टी नूं भी निशाने ते लिया। जसविंदर बब्बर, जी मीडिया, मुक्तसर। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने बठिंडा विच गोद लए पिंड मान दा दौरा किया ते विकास योजनावां दा जायजा लिया। हरसिमरत बादल ने कहा कि उन्हां ने पिंड दे विकास लई 10 करोड़ रुपए खर्च किए ने, पर विकास दे लई लोकां दी मदद जरूरी है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मान पिंड का दौरा किया, जिसनों उन्होंने गोद लिया। मान पिंड से हुण तक 10 करोड़ की रकम खर्ची जा चुकी है। इस मौके पर हरसिमरत कौर बादल ने दसिया कि सरकार हर तरह की सहूलत मुहैया करवा रही है, पर आदर्श पिंड के लिए लोगों की चंगी सोच और सहयोग बेहद जरूरी है। इस तो बाद मान पिंड के विकास की तुलना करते हुए हरसिमरत कौर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सबका सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह निशाने पर लिया। सो सरकार तो सहूलतें दे सकती है, लेकिन इस आदर्श ग्राम का जो मॉडल है इसमें समाज का सुधार करना है, सोच बदलनी है, और इसमें समाज ने बराबर का योगदान डालना है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या पंजाब के सबका मुख्यमंत्री हो, वो ऐसी विकास और ऐसी गलियां वो अपने इलाके में भी, क्षेत्र में भी नहीं दिखा सकते जो बादल साहब ने कर दिखाया है। हरसिमरत कौर बादल ने विरोधियों से निशाना लगाते हुए कहा कि वादे करना और उन्होंने पूरा करने के विच काफी फर्क है। जसविंदर बब्बर, जी मीडिया, मुक्तसर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सुझाव है कि देश दियां सारियां कचहरियां विच हिंदी विच काम होना चाहिए, ताकि आम लोग चंगे तरीके नाल कानूनी प्रक्रिया नूं समझ सकन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सने देश भर दियां अदालतां विच सारे काम कौमी भाषा हिंदी विच ही कीते जाण दा सुझाव दिता। मुख्यमंत्री ने कहा कि जे अजिहा हुंदा है तां इस नाल आम लोगों नूं कानूनी प्रक्रिया विच इस्तेमाल होने वाली मुश्किल भाषा आसानी नाल समझ आएगी, जिसका कानूनी प्रक्रिया से भी चंगा असर देखने नूं मिलेगा। हमारे जो नीति कार्य है, हमारी न्याय पद्धति है, इसमें हिंदी का उपयोग बढ़ाना चाहिए। स्थानीय भाषा, जिस प्रदेश की हिंदी भाषा हिंदी में करें, जिसमें हिंदी भाषा नहीं है वहाँ जो भी स्थानीय भाषा है उसका भी उपयोग करना चाहिए। कुछ प्रांतों में ऐसी जानकारी मिली है कि वहाँ
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हिंदी की भाषा का उपयोग या स्थानीय भाषा का उपयोग कोर्स करने लग गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेएस खेर भी मुख्यमंत्री के सुझाव तो सहमत नजर आए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी विच हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण के वलों की प्रबंधक राजपदरी विद्यार्थी कानूनी साखरता मिशन सालाना मुकाबले में शामिल हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेएस खेर ने कहा कि अदालत विच हिंदी भाषा के इस्तेमाल नूं अमल विच लियाउण ते जल्दी ही फैसला किया जाएगा। Where we can send our files and they can be translated and be given to our citizens. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਰਕੇਸ਼ ਰੋਹਿਲਾ, ਜੀ ਮੀਡੀਆ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ। एक पुत्र नूं गवा देण दा गम की हुंदा है, ये कोई उन्हां मापिआं नूं पुछे जिन्हां दे जिगर दा टुकड़ा 11 साल दी छोटी जी उम्र विच ही वर्ल्ड चैंपियन बनिया होवे ते फिर कुछ महीनों बाद ही एक लापरवाही ने पुत्र दी जान ले ली। पर पुत्र दी मौत तों टुट्टे परिवार ने जिहड़ा फैसला लिया वह वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि उसने सैकड़े स्केटर्स दी जिंदगी बदल के रख दित्ती। स्केटिंग रिंक विच अपने सुपने की दौड़ लगाउंदे इन्हां स्केटर्स की रफ्तार दी जिवें पूरी दुनिया जित लेना चाहुंदे ने। शायद यही है खत्री परिवार का मकसद जो इन्हां स्केटर्स विच अज भी अपने पुत्र कोमल खत्री दा अक्स देखते हैं। कोमल खत्री जिसके नाम से देश की राजधानी दिल्ली विच है एक सड़क, जिसके नाम से रोहिणी की एक सोसायटी विच है क्लॉक टावर, जिसके नाम से बवाना विच है स्केटिंग रिंग, जिसके नाम से दिते जाते ने मेडल्स। इस हादसे के बाद लगभग इच्छाएं खत्म हो गई थी। हम सिर्फ एक ही बात देखना चाहते थे कि कोमल की वजह से किसी बच्चों को क्या फायदा मिल सकता है, और उसी को हमने ध्यान में रखते हुए ये ट्रैक बनवाया ताकि कोमल, हमें इन बच्चों को जो प्रैक्टिस करते हैं हमें ये लगता है कोमल ही नहीं मैं कहीं घूम। पर स्केटिंग व्हील से जादू दिखाने वाला कोमल खत्री हुण इस दुनिया में नहीं है। तुसी सोच रहे होवोगे कि आज असी तुहानू ये कहानी क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि यह कहानी एक माता पिता के हौसलों की, क्योंकि इसनों देख के तुहानू ये एहसास होएगा कि अपनी खुशियां दे खो जाना कभी भी उम्मीदों का अंत नहीं होंदा। अपने पुत्र नूं गवा देण दे बाद भी किवें एक माता पिता ने सैकड़े बच्चों नूं कामयाबी दी उड़ान भरन दे लई खंभ दित्ते। यहाँ पे द्वारका से, साउथ दिल्ली, लाजपत नगर से, नोएडा से बच्चे सिर्फ यहीं पे प्रैक्टिस करने आते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई बैंक ट्रैक नहीं है दिल्ली को। बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे कोच, यहाँ पे बहुत अच्छे कोच हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा इंटरनेशनल फॉर्म भी है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे स्केटिंग करके। दिल्ली का यहाँ का फर्स्ट ऐसा ट्रैक है जो यहाँ टाइम, ये बहुत अच्छा ट्रैक है, मुझे यहाँ पे स्केटिंग करने में बहुत मज़ा आता है। ये 150 किलोमीटर का ट्रैक है, ये बहुत अच्छा ट्रैक है, इस पर बहुत मज़ा आता है हमें स्केटिंग करने में। इसकी फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है, ये 150 मीटर का ट्रैक है और यहाँ पर डेली प्रैक्टिस चलती रहती है। स्केटिंग रिंग ते अपने जोहर दिखाने वाले कोमल ने 11 साल की उम्र तक आंदे आंदे कई मेडल अपने नाम किए सन, इतने तक कि साल 2004 उसने वर्ल्ड स्केटिंग चैंपियनशिप भी अपने नाम कर ली। पर 2004 परिवार का लाडला बेटा कोमल उन्होंने छड़ के दुनिया तो चला गया। परिवार ने इस दुख की घड़ी में हिम्मत नहीं हारी, पुत्र की याद के बवाना च एक कौमांतरी पद्धर का स्केटिंग रिंक बनवाया। इस रिंक बनवाने के लिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। रिंक बनवाने के पिछे मकसद इको ही सी कि जिस तरह उन्होंने कोमल नूं प्रैक्टिस करवाने के लिए दूर दूर भटकना पैंदा सी, उदा दूजे मापिआं नूं ना परेशान होना पवे। हम बहुत दूर दूर तक जाते थे स्केटिंग कराने, फरीदाबाद, यहाँ दिल्ली में फिर कोई ऐसा रिंक था नहीं इंटरनेशनल लेवल का, तो हमने सोचा कि बच्चे और बच्चे सफ़र नहीं करें, तो इसलिए हमारे दिमाग में ये ख्याल आया, और साथ में कोमल की भी हमेशा याद बने रहे उन बच्चों के। इस रिंक में हर रोज़ सैकड़े बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, बच्चों को कोचिंग भी फ्री दी जाती है, ना ही बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने मेडल्स
सर्टिफिकेट भी देते जाते हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया।